ओके सो हे गाइस वैसे वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा सभी का लिंक आपसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप सिंपली वीडियो देखने वाले जगह डाउनलोड कर लेना। तो चले गाइस आज की इस वीडियो को हम बिना किसी रिकॉर्ड के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को इस बैकग्राउंड को सिंपली डाउनलोड करके अपने पिक्सार्ट में ओपन कर लेना है। फिर उसके बाद जाना आप सभी को ऐड फोटो में, एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को ये पीएनजी ले लेना है, एंड इस पीएनजी को आप सभी का फुल स्क्रीन कर देना है, आपके बैकग्राउंड में मैच हो जाएगा। तो इतना कर देने के बाद आप सभी को सिंपली कर देना है डन, एंड उसके बाद जाना गाइस आप सभी को अगेन ऐड फोटो में, एंड उसके बाद गाइस आप सभी को बोल का पीएनजी लेना है, ठीक है। तो इस पीएनजी को आप डायरेक्ट लोगे तो आप ये शायद नहीं गाइस आप सभी को ये पूरा डायरेक्टली मतलब फुल स्क्रीन कर दोगे तो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आप सभी को कर देना है तो एंड ये ऐसे डन हो जाएगा, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद आप सभी को अगेन जाना है ऐड फोटो में, एंड फोटो पर जाने के बाद गाइस आप सभी को ये वाला पीएनजी भी ले लेना है, एंड इसको भी आपको फुल स्क्रीन कर देना है, ये भी पूरा इसमें मैच हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये भी इसमें फिक्स हो जाएगा। तो इतना कर देने के बाद आप सबको करना क्या है, अब आप सभी को यहाँ से कर देना डन, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे पूरा फिक्स है, ठीक है, बाकी यहाँ पे इरेज करने लायक कुछ है नहीं, तो यहाँ से करते हैं डन। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को अपने मॉडल का पीएनजी लेना है, ठीक है। तो जो मतलब कि मॉडल का पीएनजी क्या लेना है, गाइस आपको मॉडल का ओनली मतलब कि हेड का एरिया लेना है, ठीक है, बाकी नेक तक से आप इरेज करके रखना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपने मॉडल को पहले ले लेता हूँ आप सभी के लिए, ठीक है। तो यहाँ से पहले मैं मॉडल को यहाँ से ऐड करता हूँ सिंपली, यहाँ पे मैंने मॉडल को ऐड कर लिया। एंड उसके बाद आप सभी को इस मॉडल को थोड़ा सा मतलब कि यार यहाँ पे ना आपको थोड़ा हार्ड काम है थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि यार ये जो मॉडल है ना यहाँ पे ढंग से जल्दी से मतलब कि ना मतलब कि मैंने तो कभी ऐसे कोई फोटो एडिट करी नहीं जिसमें मेरे को अलग से अपना मॉडल का हेड लगाना पड़े। तो बट यार मैं कर रहा हूँ, बट आप सभी के लिए है ना, तो आप सभी के लिए थोड़ा ईजी कर दूँ इस वजह से। तो आप सभी को भी यहाँ पे थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब कि देखना यार कहीं फेस ज़्यादा बड़ा छोटा ना हो जाए, ठीक है। तो आप इस टाइप से कुछ लगा लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसके थोड़ा फेस के जो साइज़ है मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ पे अच्छे से फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। तो गाइस आप भी थोड़ा टाइम देके इसको अच्छे से करना, ठीक है। थोड़ा टाइम लगे भले ही, बट फोटो अच्छी एडिट होनी चाहिए, ठीक है। तो आप भी ऐसे करना, एंड उसके बाद जो इसका मतलब कि सैचुरेशन ये सब आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना, क्योंकि यार सबके फोटो अलग अलग शूट होती है ना, तो सबके में सैचुरेशन ल्यूमिनस सब कुछ अलग अलग होता है। तो आप सभी को कुछ करना नहीं ज़्यादा इसमें, बस आप सभी को बैकग्राउंड से मैच करना अपना फेस, बाकी आप इसका सैचुरेशन माइनस कर देना, बाकी अपने आप मैच हो ही जाएगा, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद आप सबको करना क्या है, यहाँ पे पहले मैं इसको अच्छे से ऐड कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे ऐड हो जाने के बाद आप सबको सिंपली साइड में डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से डन कर देना है। एंड गाइस उसके बाद आप सबको यहाँ से जाना है ऐड फोटो में, एंड एक पार्टिकल का पीएनजी मैंने आप सभी के लिए रख रखा है, तो ये पीएनजी को आप सभी को डाउनलोड कर लेना है, एंड इसको लेकर फुल स्क्रीन कर देना है। एंड फुल स्क्रीन कर देने के बाद आप सबको इसको सिंपली ऊपर की तरफ ले जाना है, एंड यहाँ से अगर इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है, ठीक है। तो इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर देना है, एंड उसके बाद आप सबको यहाँ से कर देना डन। एंड उसके बाद गाइस यहाँ तक का काम तो हमारा हो चुका है, तो उसके बाद आप सबको करना है यहाँ से जाना टूल्स में, फिर एडजस्टमेंट करनी है इसकी थोड़ी सी, ठीक है। तो कॉन्ट्रास्ट और ये सैचुरेशन वगैरह जो इनको आप कुछ थोड़ा सा कम ज़्यादा कर लेना है, हल्का हल्का छीट लेना है, ठीक है। तो ताकि जो मतलब मॉडल का जो हेड है ना इससे ये बैकग्राउंड से मैच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेव कर लेना फोटो को, अब चलते हैं लाइटरूम ऐप के अंदर, तो इसमें कलर करेक्शन कर लेते हैं थोड़ी सी। तो गाइस अब जब तक हमारा लाइटरूम ऐप ओपन हो रहा है, अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया उधर, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि यार आप सभी को मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका जो मतलब अपडेट है सबसे पहले मिले। एंड यार मैं ये रात को मैं यार काफ़ी लेट वीडियो बना रहा हूँ यार, प्लीज़ यार उसके लिए एक बार वीडियो का लाइक जरूर करना यार। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस यहाँ पे जो हमने अपनी फोटो को एडिट कर लिया, तो गाइस यहाँ पे आप सभी मिले आप सभी करना है कि आप सभी को नीचे लाइट वाले ऑप्शन में जाना है, इसके बाद जिसका कॉन्ट्रास्ट आप सभी को इंक्रीज कर देना, हाईलाइट को कम कर देना, शेडो को बढ़ा देना, व्हाइट को जो है उसको बढ़ा देना, ब्लैक को भी बढ़ा देना है। एंड उसके बाद जाना कलर्स वाले ऑप्शन में जिसका वाइब्रेशन इसको कम कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद मिक्स में जाना आप सभी को इसके जो ऑरेंज कलर इसके सैचुरेशन को माइनस कर देना है। एंड उसके बाद जाना आप सभी को ये ब्लू कलर में इसके सैचुरेशन को माइनस करना है, सेकंड ब्लू वाले इसके सैचुरेशन को माइनस कर देना, एंड कर देना डन। एंड उसके बाद जाना आप सभी को नीचे वाले टूल में फोटो की जो क्लियरिटी है उसको इंक्रीज कर देनी है, फोटो में जो विग्नेट आपको हल्का सा डालना है, एंड उसका जो ग्रेन अमाउंट इसको बढ़ा देना है। एंड उसके बाद जाना आप सभी को नीचे वाले टूल में फोटो की जो शार्पनेस उसको इंक्रीज कर देना है, नोड रिडक्शन इसको भी इंक्रीज कर देना है, एंड जो कलर नोड रिडक्शन इसको भी इंक्रीज कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी फोटो परफेक्टली एडिट हो चुकी है यार, आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर चलो सब्सक्राइब करो, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।